हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का सोनू कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। गाइस, हमने पीछे की वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके जरूर देखिएगा, ताकि हमको हमारे आगे के क्वेश्चन समझ में आ सके। तो चलिए गाइस, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए भोगवा नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी दासक नदी या फिर ऑप्शन डी चंबल नदी। तो गाइस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भोगवा नदी। अब भोगवा नदी कहाँ है तो मैं आपको बता दूँ, ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सरगावाला गांव के किनारे समीप भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस, हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए बिंदा नदी, ऑप्शन बी भोगवा नदी, ऑप्शन सी रावी नदी या फिर ऑप्शन डी दास नदी। तो गाइस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिंदा नदी। अब बिंदा नदी कहाँ पे है तो मैं आपको बता दूँ, बालाकोट वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में और अरब सागर के किनारे स्थित है, और ये मोहनजोदड़ो के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है गाइस, और ये एक बंदरगाह है जो कि सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके गाइस, अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत का गेंडोर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी नेपाल में या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान में। तो गाइज, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में कहाँ पे स्थित है तो मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान प्रांत के दासक नदी के किनारे स्थित है। ओके गाइस, तो चलिए मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीनों की खोज किसने की? तो किसने की थी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए फेयर सर्विस ने, ऑप्शन बी एसआर राव ने, ऑप्शन सी स्टाइन ने, ऑप्शन डी डेल्स ने। तो गाइज, हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फेयर सर्विस ने। सूद अलाउद्दीनों की खोज फेयर सर्विस ने की थी, और जो हमने पीछे पढ़ा सूद का गेंडोर, तो सूद का गेंडोर की खोज किसने की थी गाइज? ऑरल स्टाइन ने। ओके, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेनिंग पद्धति की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किस वैज्ञानिक ने की थी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए विलियर्ड लिब्बी ने, ऑप्शन बी थॉमसन ने, ऑप्शन सी कॉपरनिक्स ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियर्ड लिब्बी ने। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन डेनिंग पद्धति क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, कार्बन डेनिंग पद्धति किसी वस्तु की काल अवधि को मापने की एक वैज्ञानिक विधि है, और ये जब जीव या वस्तु अपने अस्तित्व में होते हैं तो इसमें दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। कितने? दो प्रकार के। अब कौन से हैं दो प्रकार? एक तो है C20, एक C40, जिसमें C की मात्रा तो समान रहती है, लेकिन गाइस जैसे जैसे वस्तु विघटित होती जाती है वैसे वैसे C20 मात्रा समान रहती है और C40 की मात्रा कम होती जाती है। ओके गाइस, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने वैदिक आर्य को ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है? तो गाइस, हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए पुष्लाकर ने, ऑप्शन बी TN रामचंद्र ने, ऑप्शन सी KN शास्त्री ने, फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। एसआर राव ने भी हड़प्पा सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्यों को ही माना है। ओके गाइस, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सिद्धांत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आकस्मिक एवं एकाएक रूप में मानी जाती है? तो गाइज हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑलचिन भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी जॉन मार्शल का सिद्धांत, ऑप्शन सी रोमिला थापर का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑलचिन भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत। ओके गाइज, तो मैं आपको बता दूँ कि स्टर्ट पिंगट फेयर सर्विस और रोमिला थापर इन तीनों विद्वानों का मानना है कि जो ईरानी बलूची कौन सी ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से किसका उदय माना है? हड़प्पा का उदय। ओके गाइस, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय उत्पत्ति के साथ इसके क्रमिक विकास के सिद्धांत को स्वीकार किया है? तो गाइस हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डी पी अग्रवाल, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी रोमिला थापर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी पी अग्रवाल। गाइस डी पी अग्रवाल के साथ एक विद्वान और थे जिन्होंने भारतीय उत्पत्ति के साथ क्रमिक विकास के सिद्धांत को भी स्वीकार किया, वो कौन से थे? अमलानंद घोष। ओके गाइस, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जनक द्रविड़ थे? तो किन के अनुसार थे? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए राखलदास बैनर्जी, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी पुस्लाकर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राखलदास बैनर्जी। राखलदास बैनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जनक या निर्माता क्या थे? द्रविड़। क्योंकि वहाँ पे क्या थे, जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था तो वहाँ पे द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग निवास करते थे। ओके गाइज, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियंस को माना है? तो गाइज हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए गोल्डन चाइल्ड, ऑप्शन बी डॉक्टर रामचंद्र, ऑप्शन सी पुस्लाकर, या फिर ऑप्शन डी राखलदास बैनर्जी। तो गाइज हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गोल्डन चाइल्ड। गोल्डन चाइल्ड का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता वो कौन थे? सुमेरियंस। और इन्होंने ये निष्कर्ष कैसे निकाला था? कंकालों का अध्ययन करके। किसका? कंकालों का अध्ययन करके। ओके गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप इन क्वेश्चंस की फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम पे जाके फ्री में पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए आप हमें फेसबुक पर इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू।